हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं शूलिनी फेयर। आज सेकंड डे है शूलिनी फेयर का, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि सोलन में जो शूलिनी फेयर होता है वो कैसा होता है। और ये पहुंच गए हैं हम कोटला नाला, और ये देखिए भंडारे ही भंडारे जो शूलिनी फेयर होता है वो कैसा होता है। और ये पहुंच गए हैं हम कोटला नाला, और ये देखिए भंडारे ही भंडारे। अब हम पहुंच चुके हैं ठोडू ग्राउंड, जहां पर माता का मुख्य मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटक और यहाँ के जो स्थायी लोग हैं वो शामिल होते हैं। शूलिनी माता देवी दुर्गा का एक अवतार है, जिसका मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, और वास्तव में शूलिनी माता के नाम पर ही सोलन का नाम रखा गया है। माता शूलिनी सोलन की अधिष्ठात्री देवी हैं, और जो ये मेला है ये 3 दिन तक मनाया जाता है। 3 दिनों तक माता शूलिनी अपनी बड़ी बहन के पास अपने मुख्य मंदिर परिसर से गंज बाजार स्थित मंदिर में रहती हैं। इन 3 दिनों को सोलन शहर में मेले के रूप में मनाया जाता है। शूलिनी मेला जून माह के 3रे सप्ताह में 3 दिनों तक मनाया जाता है। माँ शूलिनी अपने मंदिर से पालकी में बैठकर शहर की परिक्रमा करने के बाद गंज बाजार में स्थित अपनी बड़ी बहन माँ दुर्गा से मिलने पहुँचती हैं, और 3 दिनों तक लोगों को दर्शन देने के लिए वहीं पर विराजमान रहती हैं। शूलिनी मेले में यहाँ के स्थानीय लोग खुलकर दान करते हैं। जा रहे हैं हम घर वापस। कैसा लगा आपको व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।